हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू गोभी। आज हम न्यू स्टाइल से आलू गोभी बनाएंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आलू गोभी बनाने के लिए गोभी चाहिए। हमने मीडियम साइज़ की गोभी लिया, इसको हमने अच्छे से धोकर निचोड़ने के लिए रख दिया क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। और हमने लिया है मीडियम आलू, यहाँ हमने लिया है हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, दो टमाटर और प्याज, क्योंकि हमने टमाटर प्याज ले ज़्यादा लिया है क्योंकि ये ग्रेवी के काम आएगा। हमें ग्रेवी वाली आलू गोभी बनानी है नए तरीके से। और हमने यहाँ पर लिया है हींग, किचन किंग, और ये हमारा है अमचूर, और ये है हमारा गरम मसाला। और हमें नॉर्मल मसाले वो हम डालेंगे ही, जो हम हल्दी मिर्च वगैरह डालते हैं, नमक। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने आलू गोभी को कट कर लिया है। आलू को हमने, आप कोई से भी शेप में कट कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, छोटे पीस भी कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे कट किया है और गोभी को हमने हाफ कर दिया है। हमने गोभी को बीच में से हाफ हाफ कर दिया है, आप फुल भी डाल सकते हैं। और अब हमने, जब हम ये कट कर रहे थे, हमने गैस फुल पर रखी थी कढ़ाई, और अब हमने सिम कर दी है। तो अब हमें पहले, हम सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। हमें जब तक ये थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन नहीं हो जाते, इसको फ्राई करना है आलू को। हम ये आलू इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेशल ग्रेवी वाली हमारी आलू गोभी है। आप नॉर्मल आलू गोभी रोज बनाते होंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है हम फ्राई करके डालें, क्योंकि ये जो सब्जी होती है बहुत हैवी होती है, क्योंकि इसमें मसाले भी बहुत सारे डालते हैं, क्योंकि ये ग्रेवी बनाने के लिए आप इसमें बहुत सारे मसाले हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमें इसमें तब फ्राई किया है और हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। जैसे कोई हमारे घर में फंक्शन है या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो स्पेशल उनके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, तब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। नहीं तो हम नॉर्मल घर में अपनी नॉर्मल सब्जी बनाते हैं जैसे, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे आलू को। देखिए फ्रेंड, हमारा आलू थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको, आलू को निकाल लेंगे और अब हम इसी ऑयल में थोड़ा सा गोभी को भी फ्राई करेंगे। गोभी को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी भी लाइट ब्राउन हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाएगी। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ऑयल निकाल लिया है इसमें थोड़ा सा। अब हम इसी में ग्रेवी बनाएंगे। हमने इसको, ग्रेवी को, जो हमारी प्याज थी, लहसुन थी, अदरक था, लहसुन था, उसको हमने इतना बारीक पीस लिया है। आप मिक्सी में भी हल्का चला सकते हैं, नहीं तो कद्दूकस में भी घिस सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को हमें लाइट ब्राउन होने देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो जीरा है अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे। हींग क्या होता है, गोभी है तो वो हमें हींग, अगर हम हींग लहसुन वगैरह डालेंगे तो वो नुकसान नहीं करती है। अब हम इसमें ये मसाला फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें ये मसाला जो है फ्राई करना है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो प्याज है ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, और हमारी थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो चॉप किए थे टोमेटोज, वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि प्याज जो है थोड़े टमाटर के साथ भी पक जाएगी। तो हमने इसमें अब
हम ऐड करते हैं इसमें अपने मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, फिर हम डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो हम इसमें लाल मिर्च थोड़ी कम डालेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं नमक। ये हमारा मसाला जो हमने यहाँ किचन के लिया था, और ये हमारा गरम मसाला, और हमें इसको चलाते रहना ताकि हमारा जल नहीं जाए, अच्छे से फ्राई होना चाहिए। देखिए हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और हमारा टमाटर भी गल जाएगा और थोड़ी सी प्याज और अच्छे से पक जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून छोटा अमचूर पाउडर। थोड़ी इसमें खटास भी आएगी तो बहुत टेस्टी लगेगी और चटपटी रहेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें खाने में। जब हमारा मसाला पक जाएगा अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। हमने धनिया पत्ते वाला धनिया लिया है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा, जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तभी ये हमारे मसाले और ग्रेवी वाली गोभी आलू बन जाएंगे। देखिए अब हम इसको 5 से 10 मिनट से भी कम पकाना है, क्योंकि हमारा मसाला पका हुआ है, मैं सिर्फ पानी पकने तक, जब तक हमारा पानी थोड़ा बॉयल हो जाए तब तक पकाना है। इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो समझो हमारी जो ग्रेवी है ये रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें जो हमने ये आलू और गोभी फ्राई करी थी वो हम इसमें डाल देंगे, मैं ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी आलू गोभी बनी है। आप ग्रेवी और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैसे भी। और अब हम इसको हल्का सा धनिए से गार्निश करके, और फिर अभी इसको हम 5 से 5 मिनट के लिए सिम गैस पर रख देंगे, ताकि जो हमारे आलू हमने फ्राई किए थे थोड़े और अच्छे से गल जाएं और अच्छे सा मसाले जो है आलू और गोभी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो अभी 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट और ढक के पकाना है। देखिए अब हमारी ये जो आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी है ऑलमोस्ट रेडी है। हम चेक कर लेंगे, हमारा आलू जो है बिल्कुल गल चुका है, गोभी भी हमारी गल गई है, क्योंकि हमने इनको फ्राई कर लिया था तो हमें सब्जी बनाने में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारी आधी सब्जी तो बॉयल होने में ही गल जाती है। अब हमें बस 1-2 सेकंड इसे फ्राई करना है, तेज गैस पे हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, जो मसाला है अच्छे से। वैसे तो इसके अंदर बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है, कर लिया है आलू गोभी ने। तो अब हम इसको बंद करके ढक देंगे और 1-2 सेकंड के लिए इसको ढके ही रहने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसको परांठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप घर में जरूर ट्राई करिए, कुछ बहुत इजी है, और मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे और अच्छी बनानी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो लेकर आऊँगी, नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।